दोस्तों आज मैं आपको पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए दो ऐसे सटीक उपचार बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये 101% आजमाया हुआ नुस्खा है, इसके कई सारे पॉजिटिव फीडबैक आए थे, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि नुस्खा है क्या। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हमें यूज़ करना है फिटकरी का भस्म बनाना, यानी फिटकरी जो होता है जब उसे शुद्धिकरण करते हैं तो इसे फिटकरी का भस्म बना के हम तैयार करते हैं। ये मार्केट में भी आपको मिल जाता है इसलिए, लेकिन आप इसे घर में अगर बनाते हैं शुद्ध करते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट फिटकरी देखे आता है, एक सफ़ेद वाली फिटकरी होती है, लाल फिटकरी, आपको सफ़ेद फिटकरी लेनी है और उसके छोटे से टुकड़े को देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं। अगर आप इकट्ठा बना के रखना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं। उसको आप तवे पे, गर्म तवे पे रखेंगे तो देखिए इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, ये लिक्विड जैसा बन जाता है। और जब फिर ये लिक्विड जैसा पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, इसे छोड़ दीजिए तो ये जम के बिल्कुल हार्ड शेप पे हो जाता है। फिर इसको पीस के इसका पाउडर बना दिया जाता है। इसी को कहते हैं फिटकरी का भस्म। फिटकरी का भस्म कई सारे रोगों को दूर करता है। ये पाइल्स के लिए रामबाण दवा होती है। खूनी बवासीर के जो पेशेंट होते हैं इसको अगर लेंगे तो पहले दिन ही उनकी ब्लीडिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ ये पाइल्स की जो समस्याएं होती हैं, नसों में दर्द, सूजन, जलन, ये सारी समस्याओं को दूर करता है। अब पाइल्स की समस्या को ये ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो देखिए आप देख रहे हैं पूरी तरह से गल गया है। अब देखिए ये इसको हमने जब रख दिया था तो इस से हार्ड शेप में हो जाता है। अब इसको किसी भी स्पून से दबा दीजिए या किसी भी भारी चीज़ से आप इसको पीस के इसका पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। ये इसका पाउडर जब बन के तैयार होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का ये बन के तैयार हो जाता है। फिटकरी को जब हम गर्म करके फुला लेते हैं फिर ठंडा करके इसको पीस लेते हैं, यही हमारा फिटकरी का भस्म कहा जाता है। इसको आप इकट्ठा बना के किसी भी शीशे में ऐसे स्टोर करके रखिए। और इसकी जो मात्रा होती है लेने की ना, एक चुटकी आपको लेना है। ये फिटकरी के भस्म से कई सारे इलाज हैं, दांतों में पायरिया है, मसूड़ों में सूजन है, मवाद आता है, ब्लीडिंग की समस्या दांतों में हो रही है, तो आप इसी भस्म से थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप मंजन करते हैं तो आपके दांतों की सारी समस्याओं को ये ख़त्म कर देता है, स्किन के प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, चेहरे में दाग धब्बे मुहासे उनको दूर करता है। तो चलिए हम आपको पहले पाइल्स के लिए बता रहे हैं कैसे यूज़ करना है। एक चम्मच आपको लेना है शहद, हनी, प्योर हनी शहद जो आप लेते हैं उसी को लीजिएगा, शहद अच्छे ब्रांड का लीजिए जिससे फ़ायदेमंद हो। इसमें एक चुटकी आपको ये भस्म डालना है फिटकरी का, बस इसे आप इस तरह से डालिए और सुबह सुबह खाली पेट ब्रश मंजन जब कर लेते हैं तब आप इसको लीजिए। इसके आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। इसको लगातार आप 3 दिन करिए, ये आपकी जो पाइल्स की समस्या है आपको इससे बहुत बढ़िया आराम मिलता है और ये बीमारी को धीरे धीरे ख़त्म करता है। बस देखिए इस तरह से चुटकी से आप ले रहे हैं तो चुटकी आपकी फिंगर के हिसाब से है, तो यहाँ पर देखिए हम 2 चुटकी डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा उठाए हैं तो 2 चुटकी यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं भस्म। और इसको इसी में आप फिंगर से ही डिसॉल्व कर लीजिए और इस शहद को आप पूरा ऐसे मुंह में डाल के निगल जाइए। और इसके पीछे पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहद मीठा होता है, तो इसलिए आप पीछे से पानी बिल्कुल नहीं पियेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए इसे सुबह सुबह खाली पेट आपको लगातार 3 दिन करना है। इसका रिज़ल्ट आपको एक ही दिन में पता चलने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और हम आगे अभी वीडियो में आपको एक ऐसा क्रीम बताएंगे कि पाइल्स को जड़ से ख़त्म कर देता है, रामबाण दवा है। ये दोनों नुस्खों को आप साथ साथ करिए, आप देखेंगे जो बवासीर से आप बहुत दिन से परेशान हैं वो आप कैसे घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इफेक्टिव है और ये आजमाया हुआ, इसके कितने सारे फीडबैक हैं आप उसके आधार पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे आप जरूर एक बार ट्राई जरूर करिएगा और फिर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। नेक्स्ट देखिए हम क्रीम के लिए आपको बता रहे हैं, जो पाइल्स के मस्से होते हैं बहुत परेशान करते हैं उसके लिए ये रामबाण नुस्खा है। आप पहले दिन ही आप इसके रिज़ल्ट को देखेंगे, 50% आपके जो मस्से हैं वो उसकी जो तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसे 3 दिन अगर आपने कर लिया तो 3 दिन में आप देखेंगे मस्से पूरी तरह सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इसे 15 दिन लगातार करिए जिससे मस्सों की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए। और ये जो शहद और तुमने फिटकरी वाली बताई है रेमेडी, इसको आप साथ साथ करेंगे, लेकिन फिटकरी शहद को जो आपको सेवन करना इसे सिर्फ हफ्ते में 3 दिन करें,
एक हफ्ते में 3 दिन करेंगे, उसके बाद आप ब्रेक कर देंगे, फिर दूसरे हफ्ते में 3 दिन करिए, वैसे 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये जो हम क्रीम आपको बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा क्रीम है, इससे मसों की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है, जलन खुजली, ये बादी बवासीर खूनी बवासीर किसी भी तरह की पाइल्स है अगर मसें हैं तो उसको ये जड़ से ख़त्म करता है। तो देखिए एक प्याज लेना है, उसको आप कुटनी में कूट लीजिए या कद्दूकस से कस के आपको इसकी लुगदी बना के प्याज की तैयार करनी है। तो देखिए कुटनी से भी आप कूट सकते हैं या फिर ऐसे कद्दूकस है कद्दूकस से भी एक प्याज आपको इस क्रीम के लिए लेना है। आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना के रख सकते हैं, लेकिन आप पहले थोड़ा सा एक प्याज के साथ बनाइए, आपको इसका रिजल्ट इतना बेस्ट लगेगा कि आप इसे बना के अपने पास हमेशा रखेंगे। और इस क्रीम को बना के आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल। हम आपको बता रहे हैं कैसे बना के रखना है। इस तरह से देखिए पेस्ट फॉर्म में बन गया ना। अब आप लेंगे इसको, जैसे कुटनी में भी हमने कूटा है उसमें भी, जो भी आपको आसान तरीका लगे आप दोनों तरीका अपना सकते हैं किसी भी तरह से। बस ऐसे ही आपको दरदरा कूट के तैयार कर लेना, इसे बिल्कुल पीस के इसका जो है इस मिक्सी में एकदम ऐसा नहीं पीसेगा कि रस पूरा निकल जाए, ऐसे ही कूटना है जिससे रस इसमें प्याज में भरा रहे, क्योंकि ये जो प्याज का रस होता है यही दवा में यूज़ होता है, इसी रस से ही ये दवा बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से आपको इसको तैयार कर लेना। अब इसमें देखिए दूसरी चीज़ क्या ऐड कर रहे हैं, ये प्याज को इस तरह से कूट के इसमें अगर देसी घी के साथ आप इस मलहम को बनाते हैं तो पल्स के मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म होते हैं। देसी घी में घर में आप घी बनाइए किसी भी तरह का, वो घी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक प्याज लिया था तो उसी के अनुपात में यहाँ पे हम एक चम्मच देसी घी ले रहे हैं। आप देसी घी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जब घी जो है प्याज के साथ पकता है तो जो प्याज का फ्लेवर होता है, यानी प्याज के जो तत्व होते हैं वो सारे इस घी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और यही आपका मलहम बन के तैयार हो जाता है। प्याज वाली घी में जब पकाते हैं तो जो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है वही हमारा ये पाइल्स के मसों की दवा है। दोस्तों ये 101% जैसे मैं आपको कह रही हूँ ये इतना ज़्यादा असरदार है। आप पहले दिन जैसे हमने कहा है, पहले ही बताया, एक दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा रामबाण नुस्खा है मसों को ख़त्म करने के लिए। इसे आप देखिए हमने क्या किया, एक चम्मच घी डाला, अब इसे कढ़ाई में आप पकाएंगे। तो कढ़ाई में रखिए और इसे तब तक पकाइए जब तक ये प्याज है अच्छी तरीके से घी में पक नहीं जाता, यानी प्याज के जो तत्व हैं घी के अंदर आ जाने चाहिए। अभी आप देखेंगे कि प्याज अलग हो जाएगा और घी जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे ही आँच को मीडियम टू हाई पे करके आप इसे पकाइए। और आप देख लें यहाँ पे घी हमने एक ही चम्मच डाला, आप यहाँ पे 2 चम्मच भी घी बड़े चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि यही जो है हमारा मलहम, यही हमारा मेन दवा है। प्याज के रस के साथ जो हम घी पकाते हैं वही हमारी दवा होती है। अब देखिए पकने लगा है, बस इसको हम बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाए या जल जाए, बस इसे मीडियम में पकाना है कि बस हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये पक के तैयार हो गया है। बस इसी तरह हम इसको चलाते हुए तैयार कर ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे आपको स्टोर करना है और कैसे इसे अप्लाई करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। ये देखिए पक गया, अब आप देख रहे हैं प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसको देखिए अगर आप ऐसे सेपरेट साइड में करते हैं तो इसका जो घी है ये अलग से दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो घी पूरी तरह से जल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो घी थोड़ा बढ़ा के आप इसमें डालिएगा। अब ये देखिए ये जो प्याज में देखिए साइड से कर रहे हैं ना, पूरा घी अलग हो रहा है, बस आपको ऐसे ही करना है। एक बाउल में चलिए अभी इसको, ये पक गया है, इसी तरह से प्याज को बस पकाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है, इतना ही प्याज के, जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो बस इसको साइड में कर दीजिए और इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि ये जो प्याज का गूदा है जो पक के तैयार हुआ इसे भी हम कैसे यूज़ करेंगे और इसके जो घी बन के तैयार हुआ इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं फिर बताते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसे इसको कटोरी में किसी में इसे आप निकाल के तैयार करिए। अब ये देखिए यही जो है ना घी बना है, यही बहुत इफेक्टिव होता है। ये देखिए एक बाउल में निकाल लिए हैं, थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको हमने सेपरेट कर लिया है। तो ये जो गूदा है ना इसको भी आप यूज़ करेंगे, इसको भी मसों पे किसी कॉटन पे रख के मसों पे आप लगाइए और ये जो घी है इसको छान के किसी भी शीशी में आप स्टोर करके रखेंगे ना, बाद में जम जाता है। और ये गर्मियों के सीज़न में तो नहीं जमेगा क्योंकि ठंडक का सीज़न होता है, तो इसमें जब स्टोर करके रखते हैं तो जम जाता है, और इस समर के सीज़न में बिल्कुल नहीं जमेगा, ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको लगाने में भी आसान होता है,
विंटर का सीजन रहता है इसे थोड़ा सा हमें गर्माने की जरूरत पड़ती है, गर्मियों में आपको गर्माने की जरूरत नहीं, बस ऐसे फिंगर पे लीजिए और जितने भी मस्से हैं आप उसको अपने हिसाब से उस मस्सों पे पूरी तरह से इसे अप्लाई करिए। बस थोड़ा देर फिंगर से हल्के हल्के हाथों से आप इसे हल्का सा मसाज करिए कि जो स्किन है उसको एब्सॉर्ब कर ले ऑयल। यानी 5 मिनट आपको इसको लगाना है धीरे धीरे हाथों से फिंगर की सहायता से मस्सों पे। इसे पूरी तरह से जब ये ऑयल एब्सॉर्ब करेगा तब इसका इफेक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसे कोशिश यही करिए कि दिन में आप 3 बार लगा सकते हैं, लगाएं इसे आप ज़्यादा भी लगाएंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा है। लेकिन ये नहीं दिन भर ही इसको लगाते रह रहे हैं, दिन में कम से कम 3 बार या 4 बार आप इसे लगा सकते हैं। और ये जो गूदा है, जो ये प्याज आपका पक के तैयार हुआ है, इसको प्याज को आप इसे बिल्कुल फेंकिएगा नहीं। ये पहली बार ये जो मस्से हैं ना इस पर ये जो प्याज है आप इसे किसी कॉटन पर रख के जो मस्से बड़े बड़े मस्से हों आप उन पर इस तरह से आप लगा देंगे तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो प्याज घी में पक के तैयार होता है इसे आप दही के साथ रायता बना के जरूर खाइए। इसे फेंकिएगा बिल्कुल ही, बहुत मेडिकेटेड होता है, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और मस्सों पर लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ घी लगाना चाहते हैं तो इसे छान लीजिए प्याज को, जितना घी आपका निकल के तैयार होता है उसे किसी शीशी में रख लीजिए और दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करिए। और ये जो प्याज है पहले दिन आपने जो बनाया है इसको वेस्ट इसको फेंकिएगा नहीं, इसी तरह से कॉटन पे करके आप मस्सों पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों इतना बढ़िया हमने आपको नुस्खा जो दिया है ना, गारंटेड रेमेडी हम आपको दे रहे हैं, आप एक बार इसे ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो फीडबैक में बताते हैं कि इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है हमें, पहले दिन से ही आराम हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं अगर फ़ायदा भी होता है तो कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप कमेंट किया करिए तो हमें पता चले कि हमने जो आपको रेमेडी बताई उसके आपको कैसे फ़ायदे मिल रहे हैं, जिससे लोगों को भी इसकी हेल्प मिल सके। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका असर कैसे मिला और आपको कैसा रिजल्ट इसका मिल रहा है। दोस्तों इन दोनों उपायों को आप करिए, 100% आपकी बीमारी को दूर करेगा। और अगर आपकी बीमारी ठीक होती है तो इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें और खाने पीने का विशेष ध्यान दें। दिन भर गर्मियों का सीज़न है, छाछ आप दिन भर में 3 से 4 बार जरूर पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। जब कब्ज पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो आपकी बीमारी जो अभी ठीक होगी ना इससे, ये दोबारा से इसीलिए हो जाती है, कब्ज की समस्या नहीं ठीक होती। इसलिए कब्ज को दूर करने के लिए आप मुनक्के अंजीर वाली रेमेडी जरूर करिए और साथ साथ पानी और छाछ का सेवन आप नियमित रूप से किया करिए। कोशिश यही करिए लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए इस गर्मियों के सीजन में, जिससे आपकी कब्ज बढ़ने ना पाए, क्योंकि गर्मियों में कब्ज और बढ़ जाता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।